स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। ये जो वीडियो है यह दूसरा वीडियो है, यानी GSGL का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने बात किया था इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसका क्या क्या सारा प्रोसेस है वो हमने बताया था, और उसमें यह भी बताया था कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपके डिमांड पे। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया सर इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करें, इसका वीडियो बनाइए। तो हम इसी में देखेंगे कि GSGL का आप फॉर्म अप्लाई किस तरह से करेंगे। चलिए हम इसका फॉर्म अप्लाई करके आपको बताते हैं इसका किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। तो इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखिए, हम आपके लिए नए नए रिक्रूटमेंट लेके हमेशा आते रहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका टाइम ना लेते हुए चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन तो हमने बता दिया था, इसका फॉर्म अप्लाई किस तरह से और पूरा A to Z फुल स्टेप के साथ इसका फॉर्म अप्लाई करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए गुजरात एल्कलिक एंड केमिकल लिमिटेड के ऑफिशियल करियर पेज पे आए हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है, 1 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 11 तारीख इसका लास्ट डेट है। आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसका फॉर्म अप्लाई किस तरह से करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे और फॉर्म अप्लाई किस तरह से करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आपके अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार आप जो भी भरना चाह रहे हो उसके अनुसार अपना डालिएगा, रजिस्ट्रेशन दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेल पे आ जाएगा, वहाँ जाकर उसको देख के यहाँ पे डाल के आप इसको भी आप साइन अप करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसका वीडियो में रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड मेरे मेल पे आ गया है। यहाँ से हम इसको कॉपी करके अब वहाँ पे डाल के इसको साइन अप करेंगे। यहाँ पे मुझे टोटल 5 स्टेप करने हैं, 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो हम पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। तो हमने वहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, फिर इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी डेटा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ प्लेस किस जगह पे आपका जन्म हुआ था, वो अपना स्टेट या फिर अपना यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ कर लेंगे आपका मदर लैंग्वेज क्या है, हिंदी। उसके बाद आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ पे आप जितने भी लैंग्वेज जानते होंगे उसको आप, जैसे मैं हिंदी हो गया, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में लिखेंगे हिंदी, फिर इसको सब कर लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश इसे भी कर लेंगे। उसके बाद आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल इसे कर देंगे, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट होगा वो डाल देंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका जेंडर क्या है, इसमें कर देंगे नो। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप में यस करके जो भी प्रॉब्लम होगा आपके बॉडी में उसको लिख देंगे, वरना आप नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में भी डाल देंगे आप अनमैरिड होंगे तब। नेशनलिटी में आप कर देंगे यहाँ पे इंडियन करने के बाद आपका रिलीजन डाल देंगे, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया। इसे करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने टोटल पूरा स्टेप बाय स्टेप सही से इसको फिल कर लिया है। अभी उसे करने के बाद फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया मेरे सामने एक नया इंटरफेस आ गया। देखिए अब उसे मेरे को क्या करना है, मेरा प्रेजेंट एड्रेस क्या है, फिर मेरा परमानेंट, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देंगे। उसे करने के बाद फिर आपका कंट्री, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी है, फिर आप यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसे देखिए हमने अपने दूसरे कॉलम को भी पूरा कर लिया। अब आ गए तीसरे में, यहाँ पे फैमिली एंड रेफरेंस को देना है, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका फैमिली मेंबर का डिटेल देना है। यहाँ पे उनका अपने फैमिली मेंबर को भी दे देंगे डिटेल, यहाँ पे मम्मी का, पापा का, चाचा का, चाची किसी का भी यहाँ पे नाम लिख देंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, किसी डिपार्टमेंट में होंगे मतलब काम कर रहे होंगे तो यस, वरना अगर
कि किसान होंगे तो यहाँ पर नौकर दीजिएगा। उसके बाद कोई और फैमिली मेम्बर ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे रेफरेंस, रेफरेंस में भी किसी भी दो पर्सन का नाम देंगे जो आपको जानते हों, फिर उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसे करने के बाद गो टू सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये जो एसटीडी कोड लिखा है, एसटीडी कोड में आप लिखेंगे +91 और लैंडलाइन नंबर में अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे जिनका एड्रेस देंगे यहाँ पे वहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद जब आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहे होंगे तो वहाँ भी आपसे एसटीडी कोड पूछा होगा, एसटीडी कोड में आप +91 डालिएगा। उसे करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर जब आपने सेव नेक्स्ट पर क्लिक किया, आगे हम चौथे वाले कॉलम यानी इसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोर्स में हम क्लिक करेंगे अपने हाई स्कूल, फिर यहाँ पे ITI इलेक्ट्रिशियन, मैंने इलेक्ट्रिशियन का क्लिक किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे ये है आप वहाँ पे अपना डिप्लोमा होगा डिप्लोमा पर क्लिक कीजिएगा, बीटेक होगा बीटेक पर क्लिक कीजिए। मैंने ये वाला ITI वाला मैंने वहाँ पे ऑलरेडी क्लिक किया था, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला शुरुआत में ही, तो मेरा ये आया। अब हम अपना यहाँ पर डिटेल देंगे, उसके अलावा कोई और भी डिग्री होगा आपके पास तो यहाँ पर दे देंगे वरना खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये आपका गेट स्कोर अगर होगा तो दीजिएगा, वरना आप भी इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें स्टार रेड मार्क नहीं लगा है, जिसमें रेड स्टार मार्क लगा है उसे फिल करना कंपल्सरी होता है, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट में आप क्या करना है, आपको चूज फाइल, अपना यहाँ फोटो चूज कर लेंगे, फिर CV अपलोड कर लेंगे। करने के बाद अपलोड फाइल पर क्लिक कर देंगे, फिर हो जाए हो इसके होने के बाद आप यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी पूरा डिटेल भरा है उसको A to Z देख लीजिएगा आपका पूरा सही है कि नहीं। फिर लास्ट में नीचे आएगा आपके सामने सबमिट का, वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो फिर ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और हाँ अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम है, यहाँ पे किसी भी कंपनी से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके कमेंट सेक्शन के अनुसार यानी ये वीडियो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है। तो अगर आपको भी कोई किसी भी कंपनी का और रिक्रूटमेंट का वैकेंसी का कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पहले बात तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और फिर उसके बाद फिर उस पर आपके डिमांड के अनुसार उस पर काम किया जाएगा। तो वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।